What's up guys? Hope you're all right. ये green screen है। चादर ले लो एक green। हाँ नहीं उसके घर पे होगा विराग के घर पे। नहीं 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 नहीं। नहीं। मैं विराग के घर पे शूट करने के लिए जा रहा हूँ और मुझे एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए तो मैं ढूंढ रहा था। मैंने दादी जी को पूछा कि कोई ग्रीन कपड़ा या कुछ है और था लेकिन इट वाज अ लिटिल ट्रांसपेरेंट। फिर मैंने विराग को फोन लगाया और उसने बोला कि मेरे घर पे कुछ ना कुछ तो रहेगा की टेंशन मत ले तू बस आ जा। लेकिन मेरी दादी की एक टेंडेंसी है कि जब भी हल्का सा भी थोड़ा सा हेल्प मांग लो ना तो वो मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही हो जाता है नो मैटर व्हाट। अगर वो तुम्हें हेल्प चाहिए भी नहीं इवन इफ यू नो लॉन्गर नीड दैट हेल्प वो एकदम एक्सट्रीम। अभी मेरे को हो गया 15 मिनट पूछे हुए मेरे विराग से भी बात हो गई मैं तैयार भी हो गया। स्टिल शी इज सर्चिंग फॉर इट। मैं उनको कह रहा हूँ कि विराग के घर पे मिल जाएगा लेकिन वो मान ही नहीं रही है। ये ले जाओ ना नहीं नहीं क्यों ये तो ग्रीन ही है। नहीं बट इस पे डिजाइन लगे हुए है ये काम नहीं करेगा। उल्टी साइड देखो बहुत थोड़ा है। हाँ तो ये उतरवा लो बैकअप पे ले जाओ नहीं फिर वापस से रूम ले आना। हाँ आ जाओ सूरज सिनेमैटिक बी रोल। अकल बड़ी की भैंस मतलब अकल ज्यादा बड़ी होती है भैंस से। भैंस इतनी बड़ी होती है मगर अकल उससे ज्यादा बड़ी होती है। तो लगाई अकल तो तुम्हें ग्रीन कपड़ा दे दिया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इडियम था। इधर आओ। अप्रैल मई का महीना आ रहा है दैट मीन सूरज गांव जाने वाला है बट द गुड न्यूज इज कि वो जून में वापस आएंगे तो वी ऑल विल मिस हिम अ लॉट। लेट हिम नो इन द कमेंट्स हाउ मच यू गाइस विल मिस हिम। आओगे ना पक्का? नहीं। हां ठीक है। असाइनमेंट टाइम पे कसम ली होता असाइनमेंट जो भी मैं नहीं वीडियो वीडियो के लिए जा रहा हूं जो भी है वही रहेगा। ठीक अभी 8 बजे तक का कर्फ्यू टाइम है 8 बजे के बाद बाहर घूमना नहीं अलाउड तो दादाजी को थोड़ा ज्यादा पैरानोया हो रहा है। एनीवेज कल मुझे ये पार्सल मिला जो मैं विराग के घर पे ही खोलूंगा बिकॉज अभी टाइम नहीं है इसको खेलने का। हाँ काट दूँ। हाँ ठीक है बता। अजीब हो रही हूँ देखने में। नहीं ऐसा क्यों? घर के और साफ सफाई में मुझे ये मिले जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट और ये मुझे नॉस्टैल्जिक कर रहा है। Also guys, कल हमें एक न्यूज़ मिली थी कि शायद 14th अप्रैल ऑनवर्ड्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि देयर माइट बी फुल लॉकडाउन अप टिल अंटिल 25th। इट माइट बी अ 25 डे लॉकडाउन ऐसा कुछ तो बैड न्यूज़ था। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज देखते हैं क्या होता है। कल्याण मिलपुरी राइट? यू आर आयुष सोनी राइट? नो आई एम आयुष फिलिप्स। ओह आई थॉट यू आर आयुष कैनन। आई थॉट यू आर आयुष सोनी। सो गुड मैन गुड वन गुड वन। दोनों का जो कनेक्शन है ना कल हमने साथ में वीडियो अपलोड किया उनको पता भी नहीं हम लोग। हां एग्जैक्टली। कैन यू गाइस इमेजिन ठीक है थंबनेल बट या एनीवेज फाइनली लेट्स ओपन दिस पैकेज। It's not some very big thing. I think तुम लोग यहीं से देख लोगे। So aggressive. Yeah, 6 years में मैंने एक क्यूब खरीदा नहीं है तो I'm pretty excited. मुझे पता ही नहीं आजकल के क्यूब्स कैसे होता है बट ये वाला मैंने ऑलरेडी यूज किया बिकॉज साकेत इज द सेम क्यूब और वो मेरे घर पे लाया था विच इज वाई मुझे क्यूब लेने की चुल मची थी। 6 साल पहले ये नहीं मिलते थे हमको। Not properly. Oh man. Very nice. मैं सब कर रहा हूँ कि सॉल्व कर रहा है? मैं सब कर रहा हूँ ब्रो। सॉल्व निकला ना कर सकता हूँ सॉल्व बट अगर मैंने कैमरा पे शुरू किया सॉल्व करना ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। काट द टाइमर। मक्खन है ब्रो? मक्खन नहीं ब्रो घी है। ब्रो माय एंटायर 8th ग्रेड एंड 9th ग्रेड आई वाज ओनली क्यूबिंग। मैं एटलीस्ट 8-8, 9-9 घंटे क्यूब करता था दिन में। मी एंड साकेत दोनों इतना कॉम्पिटेटिव थे ना हम दोनों लंच ब्रेक ब्रेक और लंच में जाके बस पूरा टाइम क्यूब ही करते रहते थे। हमारे टीचर्स भी हमसे बहुत परेशान आ गए थे कि क्या कर रहे हो तुम लोग क्यों कर रहे थे वो पता है। Why were you asking such obvious questions? क्या कर रहे हो तुम लोग? Rhetorically क्या कर रहे हो तुम लोग? Like not क्या कर रहे हो तुम लोग? कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ रुक जा लौड़े। बहुत nostalgic vibes आ रहे हैं मेरे को। Anyways चल अभी let's get ready for the shoot। ओए गाइस अभी 5 बज रहे हैं एंड हमें निकलना होगा because जल्दी अंधेरा होने वाला है। I have dressed up in my dad outfit। हो गया पेंसिल रहता हाँ पेंसिल इट्स कॉल्ड अ पेंसिल मेकअप पेंसिल। अच्छा यू वांट द काजल? आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड काजल। नो एक्चुअली इफ आई टेक काजल देन आई हैव टू गेट अजय देवगन आल्सो ना इट्स काजल। एक्चुअली यू सेव्ड द शूट। हां गो मीट
your mustache. Chal, Vishesh, what are you doing? Why are you grabbing your foot like this? Vishesh. Yeah. We know a very good location इधर ऊपर जाके। चल। विराग ने मेरे को बहुत बार बोला है कि we should go। एक साल से मेरे को बोल रहा है कि हमको जाना चाहिए। लेकिन I don't know why we've never come here। It's literally क्योंकि तुझे मेरे कहने पे भरोसा ही नहीं है। You think Virag is lame? है। और तेरे को लगता है विराग के हर आइडिया चूतिया है? मुझे लगता नहीं bro। है। वो है। हाँ। तो guys we are back from the shoot। अभी हमको थोड़ा और शूटिंग बाकी है, लिटिल इम्प्रूवमेंट्स आज मैं एडिट करके देखूंगा। मेरे को यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है अभी ब्रो। I'm getting that wisdom tooth वाला pain। That's very annoying। Yeah। तो वैसे मेरे दोनों दांत, मैं wisdom teeth, they are growing like this। मतलब डेंटिस्ट के पास में गया था, ऐसे रहता है wisdom tooth, ऐसे रहता है ना, मेरा ऐसे आ रहा है, and that's why it's colliding with my other tooth। By the way, अभी मैं और विराग, हम दोनों को CS:GO खेलना है। Chris Gayle 1766। Yeah, so I was watching it। So it's there on YouTube? तो हम दोनों को ये खेलना है बिकॉज मैं काउंटर स्ट्राइक का बहुत बड़ा फैन था। इनफैक्ट मैं वाज अ किड जब मैं 7, 8 और 9 ईयर्स का था, दीस 3 ईयर्स मैंने बहुत ज्यादा काउंटर स्ट्राइक खेला। नेवर प्लेड ग्लोबल ऑफेंसिव, हमेशा आई यूज्ड टू प्ले 1.6। इफ यू गाइस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हिट मी इन द कमेंट्स। कुछ भी नहीं है सर, जस्ट वन पिंक क्लाउड। पिंक क्लाउड पाछू Let's see. सूरज की किरणें हैं वो धूप। अच्छा। शुरू होते ही खत्म हो गया यार। Hey guys, अभी मैं विराग के टेरेस पे रहूंगा। इसके बिल्डिंग पे एक टेरेस है जहाँ पे सीढ़ी है, जहाँ पे हम पुलअप्स कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको थोड़ा काम है तो ही वोंट बी अकंपनिंग मी, लेकिन मैंने रुतवे को फोन लगाया, वो यहीं पास में रहता है तो ही विल कम। एंड बिकॉज विराग के पास ज्यादा वेट्स नहीं है डंबल्स में, पुलअप्स को मैक्सिमम पोटेंशियल में यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो माय प्लान इज टू डू 8 सेट्स ऑफ दिस। यहाँ पे स्टेयरकेस में मुझे करना पड़ रहा है यार, ये बहुत चुभता है, विच इज़ वाई मुझे यहाँ पे योगा मैट डालना पड़ा, समथिंग लाइक दिस। एंड ऑनेस्टली पुलअप्स करते टाइम मेरे बैक के फटीक होने से पहले मेरे हाथों में मेरे को दर्द हो रहा है। और इसका हैंड स्टैंड देखो एक बार, आउट ऑफ नोवेयर मैं पुलअप्स कर रहा हूँ, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई सी ये हैंड स्टैंड कर रहा है कोने में। लाइक व्हाट, ये देखो बाप रे। Shit bro, I never knew actually that you can do handstands. Oh, क्या स्टाइल में हाथ डस्ट किया है एकदम। I am very sorry and I apologize for the inconvenience of me not giving a fuck. I just pull up and I'm flexing. I've been busy counting blessings. Shawty asking for directions. Told her meet me in the bedroom. Coming back with a vengeance. I've been working on my mantle. We are never